Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely good. Now today's vlog is gonna be interesting and very special as I'll be leaving for Bhubaneswar to attend one of my best friend's wedding at their place. And really, I am very much excited. Just waiting for my friend Suvadip Roy to join with me. I hope he's not late. देखो भाई शादी का सीजन है और शादी में एक भी ब्लॉग ना हो तो बात तो हजम नहीं होता है वैसे भी देखा जाए तो आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर नेक्स्ट 6-7 आवर्स भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते तो ऑलमोस्ट 12-12:30 एक तो बज ही जाएगा ये देखो भाई साहब फाइनली पहुंच गया तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना I was just hoping कि तुम लेट ना हो फ्रॉम टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी प्लेजेंट एंड स्लाइटली कोल्ड इन द मॉर्निंग इट्स अराउंड 5:30 एट कोलकाता एंड टेम्परेचर इज अराउंड 18-19 डिग्री सेल्सियस जो वेडिंग सेशन के लिए एकदम परफेक्ट है लेट्स सी भुवनेश्वर में वेदर कैसा रहता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है ये सिग्नल हो गया चलो फिर लेट्स गो बाय बाय कोलकाता सी यू सून आफ्टर 2 days शुभजीत तो हेडफोन लगा के बैठ गया अभी नेक्स्ट 6.5 घंटे में कैसे टाइम स्पेंड करूँ मैं वही मैं सोच रहा हूँ बेटर टू वॉच सम टीवी सीरीज ऑन माय फोन वही ठीक रहेगा 6.5 घंटे टाइम स्पेंड करने के लिए सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग इन साइड इज सीजन 2 ऑन प्राइम सच बताओ आई हैव नेवर सीन सच ए रियलिस्टिक टीवी सीरीज बेस्ड ऑन क्रिकेट इट्स रियली सुपर मस्ट वॉच सीरीज बोलते बोलते कब 3 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला तो अभी हम लोग रुके हैं बालासोर स्टेशन पे द स्टॉपेज टाइम इज अराउंड 5 मिनट्स एंड इट्स करंट इज 9:30 सो अभी भुवनेश्वर पहुँचने में 3 घंटा है विल रीच एट अराउंड 12:40 एस्टिमेटेड टाइम वेदर अभी ठीक ही लग रहा है भूख भी लग रहा है कुछ खाना पीना का सामान खरीदना पड़ेगा उधर है अरे भाई ट्रेन छोड़ दिया चलो 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 5 मिनट का स्टॉपेज टाइम था बट 5 मिनट हुआ ही नहीं छोड़ दिया चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेंगे और वहाँ पे कुछ खाने का सामान खरीदना पड़ेगा भूख भी लग रहा है क्योंकि जो खाना हम लोग लेके आए थे केक बिस्किट वो ऑलमोस्ट खत्म होने को चला लेट मी शो यू द एंटायर स्टेशन ऑफ बालासोर डिसेंट स्टेशन है इतना भी बड़ा नहीं है गुड बाय बालासोर सी यू सून फाइनली टच डाउन भुवनेश्वर द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा 6 घंटे का जर्नी यहीं पे समाप्त होता है बैग रखते हैं तो धौली एक्सप्रेस ऑलमोस्ट ऑन टाइम 15 मिनट बस लेट था फ्रॉम टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू शोइंग अराउंड 27 डिग्री एट भुवनेश्वर स्लाइटली ऑन द वार्मर साइड अभी देखते हैं बाहर जाने का रास्ता किधर है पहली बार मैं स्टेशन पे आया हूँ जितने बार भी आया हूँ तो पूरी तक हम लोग गए थे भुवनेश्वर याद नहीं है कब लास्ट आया था तो जितना मैंने सोचा था स्टेशन इतना भी बड़ा नहीं है मैंने सोचा भुवनेश्वर स्टेशन थोड़ा बड़ा होगा कैपिटल सिटी है बहुत ही बढ़िया है बट क्लीन है क्लीन है हाँ वही बोल रहे थे क्लीन है एकदम अच्छे से मेंटेन किया है इसको अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया है ना नहीं होने वाला था कुछ बोल रहा था अभी तक सिर्फ 1 या 2 स्टेशन ही हुआ है पूरा नहीं हुआ है करने के बाद उसको बोल रविंद्र मंडप बोल ओके रविंद्र मंडप राइट ठीक है पहुँच रहे देख ओला में कितना ले रहे हैं सो बेसिकली वी बोथ आर हियर to attend our beloved friend Amrit Patnaik's wedding. You must have seen him in all our previous Hyderabad food and city vlogs. So Amrit used to be our flatmates for both me and Shubhajit at Hyderabad. So I just can't wait to see him. Uska shaadi hai to we both are very much excited and baag is almost like 2 saal aur main 5 mahine baad usko milne wala hu. Bahut changes dikhega. Abhi se naachne lage. Finally hum log ka auto aa gaya. Andar adjust karna padega. सो जस्ट नाउ रीच्ड अमृत प्लेस ही इज़ क्वाइट बिजी फॉर द एंटायर डे आज कुछ मेहंदी का प्रोग्राम है बोल रहा था तो सीधा टाइम वेस्ट ना करके अंदर जाते हैं नाउ लेट्स कैच विद द मैन ग्रैबिंग ऑल द अटेंशन मिस्टर अमृत पटनायक आई एम मीटिंग यू आफ्टर 5 लॉन्ग मंथ्स प्लेजर मीटिंग यू सुभदीप आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत दिनों बाद भाई 5 महीने ऐसे ही निकल गया कहाँ पे शूट करना है
फोटो सेशन अभी के लिए तो डन, अभी थोड़ा लंच करते हैं, उसके बाद और फोटो उठाएंगे। पूरा शाम है, कल पूरा दिन है, कल असली शादी है, आज मेहंदी का सेरेमनी है, हो गया चलो। और आगे भी बहुत सारे वीडियो करेंगे। अमृत का लीगली प्रोटीन तब से बोल रहे थे भूखे हो खा लो अब। तो अभी क्या है तुम लोगों का? अभी मैं पैदा होने वाला हूँ। सेंटा कॉर्ड होते ना वो काटने वाले हैं। सच में काटने वाले हैं अभी। कैसे होता है क्या? सब कुछ है अभी। कल हल्दी होगा। हल्दी। शादी का सब ऑलमोस्ट सेम लाइक बंगाली। Back to the hotel where you are supposed to stay for these 2 days. ये hotel actually नहीं है, this is like a guest house जहाँ पे हम लोग को रहने का इंतजाम हुआ है। 2 कमरा है booked हम चारों के लिए, और भी 2 लोग आ रहे हैं from हैदराबाद। So अभी के लिए plan है like मैं और बाघ थोड़ा बहुत 1.5-2 घंटे rest लूँगा, उसके बाद निकलेंगे to attend the other function like संगीत होगा अमृत के वहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ से it's like 3 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा। So far everything is absolutely fine and अभी के लिए मैं काम करता हूँ, आप लोगों को एक बार room tour करवा देता हूँ, दिखाते हैं कैमरा पे कि रूम कैसा मिला है हम लोगों को। मैं कमिंग सर। या श्योर। सो दिस इज द एंटायर रूम वेयर मी एंड बग आर सपोज टू स्टे फॉर दिस 2 डेज। बहुत ही स्पेशल रूम है हम दोनों के लिए। इधर है वॉशरूम, बट एक बात मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्लेस का यूटिलिटी क्या है, लाइक ये छोटा सा प्लेस। नो आईडिया। बहुत ही भूख लग रहा है। इट लिखाओगे? ले आओ, जोमेटो से ऑर्डर करो। अभी के लिए 1.5-2 घंटा चिल आउट मारने के बाद मैं और बाघ रेडी होकर उसके बाद निकलेंगे टू अटेंड द अदर फंक्शन एट अमृत प्लेस। तो रेडी होकर मिलता हूँ आप लोगों से। सो वी आर ऑल सेट टू लीव एट अमृत प्लेस एंड नीचे गाड़ी आ गया है, इट्स अराउंड 7:15। सब लोग रेडी हो चुके हैं, चलो सुजीत तो मिलते हैं एकदम अमृत के प्लेस पे। फंक्शन हॉल वेयर ऑल द प्रोग्राम फॉर टुडे आर शेड्यूल्ड एंड आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में इतना नॉइज और म्यूजिक है कि ब्लॉक करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। यहां पे लोग अभी भी मेहंदी हाथ में लगा रहे हैं, मेहंदी के बाद जो संगीत का सेरेमनी है हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। पूरा रात नाचा गाना होगा एकदम। सब लोगों का ग्रुप फोटो हुआ, एकदम बढ़िया सा पिक्चर आया। फोटो दिखाना कैसा आया? बहुत ही अच्छा है। कैसे मिलेगा? उसको मिल जाएगा ना, वहां से मिल जाएगा। थैंक यू। इधर इधर भैया, भैया क्या हाल है बोलो, बहुत दिनों बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ढूंढ रहे हो? कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहे हो? कोल्ड ड्रिंक देखते हैं अभी, देखते बोतल दिख रहा है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो फोटो शूट चल रहा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग भी वहाँ पे थोड़ा बहुत गपशप मार रहे हैं, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले, बहुत बातें थे हम लोग किए, कल भी रहेंगे तो हम लोग बात करेंगे। फोटो सेशन हो जाने के बाद हम लोग वहाँ पे खाने के लिए भी लाइन लगाए गए, आज थोड़ा भीड़ कम है।
बैक टू द होटल रूम. हम लोगों ने इतना नाचा इतना नाचा, मतलब वो कॉलेज का दिन याद आ गया. कॉलेज का फेस में लास्ट ऐसे शायद नाचा होगा मैं. But you also got literally charged up. Yes. थोड़ा बहुत एनर्जी कल के लिए भी बचा के रखते हैं, क्योंकि कल भी अर्ली मॉर्निंग उठना है एट अराउंड 8:30 बिकॉज हल्दी सेरेमनी है, उसके बाद रात को असली शादी है. तो कल के लिए भी एनर्जी बचा के रखना है. और इसको ये भी करना चाहिए, मतलब no secrets. Don't say any secrets of this vlog. So आज के लिए vlog को यहीं पे खत्म करते हैं. I hope you guys have really enjoyed this entire part of our day one at Bhubaneswar at Amrit's wedding party. So till then, goodbye, take care, see you soon.